पार्टी के बने थे, उन्होंने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब हमारे निचले स्तर का कार्यकर्ता, निचले स्तर का आदमी जो दलित है, पिछड़ा है और सामान्य में अति पिछड़ा है, ऐसे लोगों को जब भरपेट भोजन 3 टाइम मिलेगा तब भारत विकास होगा। भारत जब विकास होगा तो हमारे देश के रहने वाले नागरिकों को सम्मान मिलेगा और विदेशों में हमारा नाम। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर ये नाम भारत का रोशन कर दिया है कि कैसे हमारे देखते देखते ये हम देखते थे कि हमें डीएपी खाद नहीं मिलती थी, यूरिया की खाद नहीं मिलती थी, लाइन लगानी पड़ती थी, आज वो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। यूरिया मारी मारी घूम रही है, डीएपी जहां चाहो तहां मिलती है। और उससे पहले गैस कनेक्शन के बारे में जब हमारी बहन और मेरी बेटियों की शादी होती थी तो हम सांसद और विधायकों से सिफारिश करके इस गैस कनेक्शन की मंजूरी लेते थे। आज हमारे नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के अंदर घर घर कनेक्शन भिजवाने का काम किया। आपके पास एजेंसियों पर बीपीएल कार्ड हो, आपको फ्री गैस कनेक्शन मिल रहा है। इसी प्रकार उन्होंने इस समय पूरे देश के अंदर जो गरीब थे, पिछड़े थे, अति दलित थे, जो लोग इलाज नहीं करा पाते थे, उन्होंने विचार किया कि इनका इलाज कैसे हो सकता है, तो उन्होंने आयुष्मान भारत योजना का निर्माण किया। आयुष्मान भारत योजना का जब निर्माण किया तो उन्होंने ये कहा कि यदि हम एक साथ सब लोगों को सम्मिलित कर लें तो ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने पिछला रिकॉर्ड उठाया कि 2011 की सर्वे में जो सूची में गरीब पात्र आए हैं उनको आयुष्मान भारत में रखा गया है। इसी प्रकार 2011 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी, जब गरीब लोग जो झोपड़ी में रह रहे हैं उनका पक्का मकान होगा तब देश हमारा खुशहाल होगा। तो आज उन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास 2011 की सर्वे के अनुसार दिए गए, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव मौर्य के माध्यम से, उस समय भारतीय जनता पार्टी केशव मौर्य थे, उनसे हम लोगों ने अनुरोध किया, हमारे नेताओं ने अनुरोध किया और कहा कि भाजपा के और अन्य जातियों के लोग काफी ज्यादा लाभ मिला है 2011 की सर्वे में, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये विचार रखे, तो योगी आदित्यनाथ जी ने उसका संशोधन किया कि वंचित बेसलाइन सूची में नई सर्वे कराकर प्रधानमंत्री आवास जुड़वाए जाए। तो उसका काम करीब 1 साल चला। अब 23 तारीख को लास्ट डेट थी उसकी और 23 तारीख तक प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास मिलेंगे। इसी प्रकार शौचालय, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि गरीब आदमी की बहन बिटिया खेत में जाती थी, अनेक प्रकार की घटनाएं होती थी, इसलिए उन्होंने ये विचार रखा कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो उसे शौचालय मिलना चाहिए और जो वंचित है उनकी सूची बनवाइए, उन्हें बेस लाइन में जुड़वाइए। ये काम चल रहा है। हमने अपने सारे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से ये अनुरोध किया कि आधार कार्ड और बैंक की फोटो स्टेट कॉपी और एक मोबाइल नंबर आप लेकर न ले तो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी उमेश यादव यहाँ का है, यदि वो काम न करे तो आप हमें कॉल करिए और आपको तत्काल जवाब वहाँ मिलेगा कि आपके साथ संघ क्या सम्मान करते हैं। और लाखों लोग पूरे देश के अंदर प्रतिदिन मरते थे तो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री दुर्घटना बीमा योजना लागू करी। हमने और आपने अपना नहीं खुला पाया जिससे लाभ मिलता आने वाली पीढ़ी को, उसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें मात्र पूरी साल में 12 रुपया जमा करना था, ऐसी योजना मोदी जी ने देश के अंदर चलाई। गरीब लोग थे, पिछड़े लोग थे, कुचले लोग थे जिनके खाता बैंकों में नहीं खोल पाते थे, शहर में फलाने सिंह रही से तो उनसे रुपया लेकर ब्याज पर दिया जाता था, तो मोदी जी ने पूरे देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उस बात को मानकर उन्होंने 0 बैलेंस पर खाता खुलवाए। आपकी शहर में भी अनेक खाता खुले और जो लोग रह गए तो उन जनधन योजना का खाता खुलवाए जिससे उन लोगों को लाभ मिले। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उस पर लागू है। इसी प्रकार उन्होंने मोची थे, कुछ हमारे फेरी वाले लोग थे, फेरी वाले लोग थे जो पहले चलते थे, कुछ हमारे पिछड़े लोग थे जिनके पास छोटा रोजगार करने के लिए 25,000 से लेकर और 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा और 1 लाख से लेकर 10 लाख तक जिस क्राइटेरिया में आपकी हैसियत होगी उस हैसियत के अनुसार आपको बैंक लोन देगी, आप रोजगार करिए। ये उन शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार देने के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना लागू की।
उस बीच यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ये हमारी योजना पूरे प्रदेश में लागू नहीं होने दी। आज वो पूरे प्रदेश में योजना माननीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। माननीय योगी जी ने सारे अधिकारियों को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत और इसी प्रकार हमारे शौचालय के अंतर्गत समीक्षा कर रही है। हमारे कमिश्नर लोग लगे हैं, DIG लोग लगे हैं जो समीक्षा कर रहे हैं, IAS अधिकारी लगे हुए हैं। आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, इसी प्रकार उन्होंने भर्ती भी निकाल रहे हैं, पुलिस की भी भर्ती निकाल रहे हैं, रेलवे की भर्ती निकाल रहे हैं, कहीं पर शिक्षा की भर्ती निकाल रहे हैं। अभी जो शिक्षित जो लोग लगे हुए थे उनका टेट कराया गया, टेट में जो लोग पास हुए उनको अभी एक मौका और मिलेगा जो फेल हो गए, तो सरकार कर रही है। अब भाई सरकार एकदम तो 70 साल का कचरा हमारा आपका बरसात में मकान टूट जाए, उसे बनाने में 1 वर्ष लग जाता है, ये तो पूरा देश है। इस देश की रचना को साजिश रखने के लिए, सम्मिलित करने के लिए भाई काफी योगदान करना पड़ता है। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस आयुष्मान भारत योजना जो लागू होने पूरे देश में लागू हो गई है, अब ये वंचित बेसलाइन सूची बनेगी, उस वंचित बेसलाइन सूची में अपने लोग हर घर से एक एक लोग अपने प्रयास करके आधार कार्ड लगा के और राशन कार्ड लगा के ये प्रयास करें और अपने नाम जुड़ाने का काम करें ब्लॉक। हमारा आपसे अनुरोध है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक अभियान के द्वारा शौचालय, आवास, आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या धन योजना, ऐसी आठ प्रकार की पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की यह सोच थी कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र कैसे जोड़ा जाए। उन्होंने फिर मध्य में आबादी वाला गांव लिया, फिर उससे छोटा वाला गांव लिया और सबसे छोटा उन्होंने 150 आबादी वाला लिया, जो आज 150 से लेकर 250 आबादी वाले गांव पूरे देश के अंदर सड़कें बनाई जा रही है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार कितना होता था, आलू का उन्होंने मूलधन 470 रुपया योगी आदित्यनाथ जी ने रखा, धान की सरकारी खरीद करा रहे, धान अच्छे रेट दिलवा रहे और ये योजनाएं उनके पास धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि इस पद यात्रा के अंतर्गत किसी को आवास मिला हो, किसी को शौचालय मिला हो, किसी को वृद्धा पेंशन मिली हो, किसी को विधवा पेंशन मिली हो, किसी को सुरक्षा बीमा मिला हो, ये सारी योजना नरेंद्र मोदी और योगी की देन है। ये किसी प्रधान की देन नहीं है, किसी सेक्रेटरी की देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसको हमें और आपको बताना है, इसलिए आपसे अनुरोध करने के लिए गाँव गाँव जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा का सम्मान है और भाजपा ने ये काम कराया है। आपसे 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही, कितने शौचालय बनाए गए, कितने आवास बनाए गए, कितने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से गांव जोड़े गए, कितने आपके उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए गए, कितने आपको सुकन्या धन योजना में आपको लाभ मिलाया गया, कितने को अटल पेंशन योजना का लाभ दिलाया गया, कितने जनधन खाते खुलवाए गए, ऐसी योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोली। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि कोई भी थाना अध्यक्ष, तहसीलदार, SDM, CDO इनसे कभी भी काम पड़े आप आधी रात याद करना, और पैसे देने का कभी भी इतने कार्यकर्ता बैठे में पैसे नहीं देने देते, जान लेते तो उसकी बखिया उधेड़ने का काम करते हैं, फिर वो बच नहीं पाता है, चाहे हमें कितने भी प्रयास करने पड़े उसके पीछे। तो आप लोगों से अनुरोध है, आज शहर में ये रात्रि प्रवास के अंतर्गत सभा को संबोधित करने के लिए माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के निर्देश पर सारे कार्यकर्ता ग्राम पंचायत में जा रहे हैं। आप लोगों से ये अनुरोध है कि भाजपा की जो लागू करी गई योजनाओं के बारे में जागरूक हो और काम करवाओ। ये तो सारी योजना भारत सरकार और यूपी सरकार की है, भाई ये है कहाँ, भाई जो आप चाहोगे वो होगा, ये चाहेंगे वो नहीं होगा, ये आप चाहोगे। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, ज्यादा क्या आप सब लोग जानते हैं, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।